हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इन्जॉय कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फिर इस तरीके के स्पाइसेस जो होते हैं हम सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा चाट मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, छोले मसाला हो, चना मसाला हो, कुछ भी हो, हम इस तरीके के मसाले के पैकेट अक्सर अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है कि इस तरीके से अगर हम इन्हीं पॉकेट्स में रखे रहने देते हैं तो क्या होता है, सील जाते हैं, इनमें सॉगीनेस आ जाती है, जो कि फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता है, थोड़ी बिटरनेस आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब रेगुलर सभी लोग इसको फिल करके रखते हैं, तो इसी तरीके से चाट मसाला वगैरह है जो कि मैं इस तरीके के बॉक्सेस में भर के रखती हूँ, छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है, क्योंकि जो भी स्प्रिंकल आइटम्स होते हैं लाइक ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट हुआ, चाट मसाला, ये सब मैं इस तरीके के स्प्रिंकल जो डिब्बी होती है उसमें ही फिल करके रखती हूँ, जिससे क्या है कि ये सीलते नहीं है बहुत अच्छे से, मतलब इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं आती है। इस तरीके से पैकेट चाहे हम कितना भी सील करके रखें लेकिन थोड़ी बहुत नमी चली जाती है। तो इसको हम फिल करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर के जो भी एजेस हैं इनके वो निकाल दूंगी, क्योंकि वो सही से क्लोज तो होते नहीं हैं और उनकी वजह से ये सही से प्रॉपर बंद नहीं हो पाता है। हम कोई भी स्पून वगैरह से निकालते हैं तो उनकी वजह से टकरा कर उनसे फैल जाता है कई बार। तो मैं इस तरीके से आप इन्हें निकाल दीजिए। तो या तो अगर आप भर के रख रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसी के साथ साथ आपका दो या तीन टिप्स या शेयर करूँगी, सो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने एक छोटी सी स्पून ली है जो कि मेरे इजीली आराम से इसको इसमें फिल कर रही है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मैं फिल कर लूँगी तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो भी मैं इसको नहीं करूँगी, जो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फिल कर लिया है और इसके कैप को मैं बंद कर दूँगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये तो मेरा तैयार हो गया है भर के, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है और बहुत से लोग चलो नहीं भी भरते हैं, ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से खुला रख रहे हैं तो इसमें दो चार लौंग डाल दीजिए आप, है ना, जिससे कि आपको ये मसाला ख़राब नहीं होगा। और बस इस तरीके से मैं यहाँ पर इसमें स्टेपलर से स्टेप कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं अपना पहले बॉक्स वाला यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आप लोग इसी में ही रख रहे हैं तो आप इस तरीके से अच्छे से पकड़ करके और फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार खोलना है, बंद करना है, तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से बंद करके और इसमें इस तरीके से आप क्लिप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसमें भी बिल्कुल एयर नहीं जाएगी और आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे, तो आप इस तरीके से भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो या मतलब एक या दो जो भी आपके पास मतलब जो कपड़े सुखाने वाली पेन हो तो उसको आप इस तरीके से ऐसे पहले अच्छे से बंद कर दीजिए, फिर इनको हल्का सा अंदर की तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए और बस आप इसमें इस तरीके से इसे क्लॉथ पिन जो क्लेचर होता है उसको आप लगा दीजिए। तो इससे क्या है कि बिल्कुल भी नमी आपकी उसके अंदर नहीं जाएगी, तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको मसालों को रख सकते हैं। तो गाइस क्या होता है कि कई बार हम अपने मसाले वगैरह भर के रख देते हैं लेकिन क्या है कि हमें फिर याद नहीं रहता, क्योंकि मसाले बहुत टाइम तक लॉन्ग लाइफ चलते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, तो इनकी सेल्फ लाइफ कितनी है क्या है तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी मसाले भरें तो उसी पैकेट से आप क्या कीजिए, जो भी उसका यूज़ बाय एक्सपायर डेट वाला होता है ना, आप उसको इस तरीके से कहीं पर भी नीचे ऊपर या अंदर कहीं पर भी इस तरीके से चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा रिमेंबर रहेगा कि हाँ कि इसकी मतलब एक्सपायर डेट ये है, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं और ये मसाले तो बहुत टाइम तक चलते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ कि इस तरीके से जो भी एक्सपायर डेट वाला होता है उसको काट के इस तरीके से चिपका देती हूँ, जिससे कि मुझे हमेशा याद रहे कि हाँ ये इस दिन मतलब इसकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, जब भी मसाले वगैरह भरें तो उनकी एक्सपायर डेट को निकाल कर उसी बॉक्स पर चिपका दीजिए। फिर इस तरीके की ऑयल की बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो प्योर कांच की बॉटल आती है, तो ये इसमें से ऑयल ना हल्का हल्का सा निकलता रहता है, तो जिससे कई बार स्लिप भी हो जाता है, और अगर ये एक बार स्लिप हुई तो कांच की होती है तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसमें से, और ऑयल की भी वेस्टिंग होती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी भी कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, इसमें से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा
कट कर लेंगे छोटा सा टुकड़ा और इसको अच्छे से सील कर देंगे। ये ऑयल का ग्रिप है ना, तो एक अच्छे से ग्रिप करके एकदम अच्छे से सील हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के बाद फिर से आप इसी तरीके से रख दीजिए, तो एक तो टाइटली बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑयल वगैरह बाहर नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से आप जो कोई बॉक्स हमारे हम इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं इनको यूज़ करते हैं, तो इनकी जो ग्रिप वाली चूड़ी होती है ना वो स्लिप हो जाती है, ठीक है, तो अच्छे से बंद नहीं होता है। इसे रोटेट 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 ही होता रहता है, बिल्कुल भी कहीं पर भी जाकर रुकता नहीं है। आप जितना इसको घुमाएंगे घुमाता रहेगा, क्योंकि इसकी जो चूड़ी होती है जो इसकी ग्रिप को पकड़ती है वो ख़राब हो जाती है। जो अंदर वाली चूड़ी ये होती है ना, ये ख़राब घिस जाती है, तो ये अच्छे से बंद नहीं होते। फिर हमारे अंदर जो भी सामान वगैरह रखा रहता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि मतलब बाहर की नमी पहुँचती रहती है, एयर टाइट नहीं होती है, बाहर की एयर पहुँचती रहती है, तो इसलिए चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके का बॉक्स तो सही है, तो हम इसे फेंक तो सकते नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी पॉलीथीन लीजिए, इस तरीके से रख लीजिए और नाप ले लीजिए कि इसका इतना है, ठीक है। तो उससे 2 या 1 इंच ज़्यादा आप इसको कट कर लीजिए उसी तरीके से राउंड शेप में। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए, पहले मैंने अच्छे से इसका मेजरमेंट ले लिया था कि कितना बड़ा है, और बस उससे 1-1.5 इंच मैंने ज़्यादा काटते हुए उसी सर्कल में ही इसको काटा है। जिस तरीके का मैंने नाप लिया था उसी सर्कल में इसको कट कर लिया है। तो इसके करने का एक फ़ायदा ये भी है कि पहले तो आप इसको इस तरीके से रख के अच्छे से इसको इस तरीके से कर दीजिए, इसके बाद आप इस पर कैप बंद कर दीजिए, तो क्या ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी एकदम एयर टाइट कंटेनर की तरह काम करेगा, और बिल्कुल भी ये बाहर से जो भी नमी वगैरह अंदर नहीं जाएगी। और इस तरीके से ये लगाते हैं ना, तो इस तरीके से रखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम से जोकर टाइप होता है ना, क्लाउन टाइप, उस तरीके का लुक आता है। आप चाहे तो कलरफुल पन्नी वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से एकदम कैप बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऑड नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप काट कर जरूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें हमारे 2 फायदे, एक तो अच्छा भी लगेगा, ऊपर से हमारी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जब भी कोई ऐसा आपके पास बॉक्स वगैरह या सीलन ईलन पहुँच जाती है तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चूड़ियों का हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो गाइस, अक्सर क्या होता है कि जब भी दूध वगैरह बॉयल करते हैं फैल जाता है नीचे, फिर उसकी सफाई वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप क्या कीजिए कि जब भी दूध वगैरह बॉयल करना हो, आपको जल्दी बॉयल करना हो, या कभी कभी पता है क्या होता है, गैस स्लो भी कर देते हैं तब भी दूध बाहर आ ही जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम कि इस तरीके से 2 चूड़ियों को आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिप करके रखिए, नीचे जाएं और फिर आप इन चूड़ियों को इस तरीके से डिप करके भी रख सकते हैं, लेकिन डिप करने से क्या होता है कि स्टीम जो है वो हमारे हाथ में लगती है। तो आप क्या कीजिए, इन चूड़ियों को बिल्कुल इसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चूड़ियों को छोड़ देना, तो आपका जो दूध है वो बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा। फिर चाहे आपकी गैस स्लो हो या फिर मतलब फास्ट हो, स्लो हो या फिर मतलब तेज़ जो फ्लेम हो, तो आपका दूध बिल्कुल भी इस तरीके से बाहर नहीं गिरेगा और वो अपनी जगह ही रहेगा, नीचे के नीचे रहने वाला है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।